Hello students, welcome to BRICS EG tutorials. In this tutorial we are going to derive the capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, so सबसे पहले हम लोग एक parallel plate capacitor draw कर लेंगे. So एक plate यहाँ है और एक plate यहाँ है. Okay, let's assume कि ये positive plate है, तो इसके ऊपर charge density सिग्मा और टोटल चार्ज क्यू है. इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और टोटल चार्ज माइनस क्यू है. ठीक है, सो वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट. बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? सो दो प्लेट्स हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हम जानते हैं कि एक कंडक्टिंग प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा. नाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डेल्टा वी. सो डेल्टा वी हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट किया था, इंटू डी. सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सो इट विल बी क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ द फाइनल स्टेप इज कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज तो क्यू ही रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. सो ये हो गया कैपेसिटेंस. तो क्यू एंड क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू को कैंसिल कर देते हैं. सो हमारा कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. सो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor. Okay, so that's all for this tutorial. Please keep watching our tutorials to learn more about physics. Thank you.